हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी चल रही होंगी। तो मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं आपकी अपनी मैथ्री क्लास में, जहां हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले पेपरों में आए हैं, और वो भी एक प्रैक्टिस की तरह, यानी फटाफट अंदाज में, जहां हम सीख रहे हैं अच्छी अच्छी ट्रिक और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर रहे हैं साथ के साथ ही। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप तैयार हो जाइए कॉपी पेंसिल लेकर अपनी, साथ के साथ आप भी सॉल्व करते चलिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,240 हो जाती है तथा 3 वर्ष में 6,288 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो बच्चों आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज कैसे मिलता है? हमें पिछले वर्ष पर ब्याज मिलता है, यानी 3 वर्ष में जो ये राशि हुई है, इसका ब्याज किस पर मिला होगा? इस पर मिला होगा। चक्रवृद्धि ब्याज को हम दो तरह से पढ़ते हैं, ब्याज पर ब्याज और पिछले वर्ष पर ब्याज। ये चीजें आप डिटेल वीडियो में पढ़ सकते हैं। फिलहाल इतना समझते हैं कि ब्याज इस पर ब्याज मिलके इतने रुपए बने होंगे। तो बताइए ब्याज कितना मिला है, हम फटाफट घटा लेंगे 6,288 से 5,240, तो हमारा 8,401, 1,048 रुपये ये ब्याज मिला 1 साल का। अब ब्याज कहाँ मिला है? पिछली राशि पर, पिछले वर्ष पर, यानी 2 वर्ष पर। तो ये ब्याज मिला है आपको 5,240 पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। अब ये 0 से 0 कट गई, और ये कितनी बार कट गया इससे? 24 दूनी 48, यानी 2 बार कट गया पूरा। 2 गुणा 10 कितना हो गया? 20%। यही आंसर हो गया, कहाँ है? ऑप्शन 2 है। तो चीज आपको समझ में आई होगी अच्छी सी, क्वेश्चन समझ में आया। पिछले वर्ष पर ही हम ब्याज लेते हैं और पिछले वर्ष की राशि पर ही ब्याज की काउंटिंग करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, जबकि साधारण ब्याज में क्या करते हैं, हमेशा ब्याज लिया जाता है मूलधन पर, जितना मूलधन था। खैर आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक विक्रेता एक वस्तु को 1,400 रुपये में खरीदता है, 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा? 20% फालतू बेचेगा भाई, 1,400 रुपये में खरीदता है, 20% लाभ चाहिए तो 20% फालतू, 10% हो गया 140, तो 20% हो गया 280, 140 का दुगना 280, यही आंसर हो गया। कहाँ है? आंसर नंबर थर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कहाँ हो गए बच्चों? आंसर नंबर 3। ये बात समझ में आ गई। अब आपको ध्यान रखना है कि 10%, जैसे मेरे पास 1,400 था, इसका 10% क्या होगा? 140, एक जीरो कम कर देते हैं, यही 10% होता है। अब आगे से हमें 20% निकालना हो, 30% निकालना हो, तो दुगना तिगना कर देते हैं, तो इसका दुगना 14 दुनिया 28, 280 हो गया, ये 20% हो गए, ठीक है। ये परसेंट हम डायरेक्ट निकालेंगे, ऐसे नहीं कि आप उसे गुणा करो तब निकालो, तो 10% डायरेक्ट निकालना सीख लो। 1,400 का 10% 140, कोई नंबर हमारा ऐसा होता है 5,2,8, भाई इसका 10% निकालना है 5,2,8, तो इसका 10% निकालना है तो कितना आएगा? 5,2,8, 5,2.8, ये आएगा इसका 10%, है ना। तो इस तरह से इनके परसेंट आसानी से निकल जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक पंखा 20% छूट पर बेचा गया और पंखे का क्रय मूल्य 960 है, 30% लाभ अर्जित किया जाए तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों अब जहां क्वेश्चन कैसे दिए हो, अब आपको ध्यान देना है, जहां क्वेश्चन में दिया हो छूट दिया हो और लाभ दिया हो, अंकित मूल्य ना दिया हो, यानी अंकित मूल्य कितना बढ़ा के लिखा ये ना दिया हो, क्या दिया हो? छूट और लाभ। तो आप एक तरीका अपनाओगे क्या, MSC, और 2 अनुपात जैसे मर्ज करते हैं ये तरीका अपनाओगे। क्यों? क्योंकि पहले बात करेंगे छूट की। छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पर। ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? मार्क प्राइस यानी कि अंकित, ये सेलिंग यानी विक्रय, और ये कॉस्ट यानी कि किराया, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब अंकित मूल्य अगर 100 है तो 20% छूट पे बिक गया तो कितने में बिक गया?
80 में कितने में बिक गया कुछ हमारा, ये 80 में बिक गई। ठीक है आते हैं बच्चों, 80 में बिक गया। और अगर हमारा किराया 100 है तो कितने में बिक गया, तो भी 30% का लाभ, किराए और विक्रय में तो लाभ होता है ना, तो 130 लाभ किराए विक्रय में और छूट अंकित विक्रय में। ठीक है, यहां बढ़ाएंगे 80 और यहां बढ़ाएंगे ये 130। ठीक है, अब देखेंगे हमें किराए दिया है और अंकित पूछा है, तो विक्रय का तो कोई बात नहीं है, जरूरत नहीं है, इन दोनों को देखेंगे। इन दोनों में 100 तो कॉमन है, कट गया, एक एक जीरो कट गई, क्या बचा 13 यहां से 8 यहां से, यही चीजें बची। यानी क्रय मूल्य के पॉइंट आए 8 पॉइंट, ये एक अनुपात है और इसके आए 13 पॉइंट। अब 8 पॉइंट की वैल्यू, यानी क्रय हमें दिया है, क्या दिया है जी, क्रय हमको क्रय दिया है 8 पॉइंट दिए हैं हमको 960, तो 1 पॉइंट कितने का हुआ, 1 पॉइंट कितने का हुआ 960/8 यानी कि 120 हुई है वैल्यू। तो आप क्या करेंगे 120 की ही इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालने हैं 13 पॉइंट अंकित मूल्य, तो 13 पॉइंट कितने होंगे 120 की गुणा करके, यानी कि 13 गुणा 120 तो 12 दूनी 24, 12 की 36 और 12 कम 12 और 3 15 ये वैल्यू हो गई, ये रही थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है, आपको एमएससी से कर देने हैं जब भी आपको क्या नहीं दिया है कि किराए से कितना बढ़ा के अंकित लिखा, डायरेक्ट छूट और लाभ दिए हैं, तो एमएससी से आप अंकित और किराए के बीच का संबंध निकाल लेंगे और एक के पॉइंट दिए होंगे, एक के पॉइंट आपसे पूछे होंगे, या परसेंट भी पूछी होती है तो आप परसेंट भी निकाल सकते हो कि भाई कितना अधिक है, 5 अधिक है तो कितना परसेंट अधिक है, ये निकाल सकते हैं, तो 5 पॉइंट कितना अधिक है, 5 है ना, तो 5 अधिक है कितने से, 8 से, परसेंट निकालने के लिए 100 कितना अधिक है, ये भी निकल जाएगा। इस तरह से चीजें निकलती हैं। आगे देखते हैं, यदि किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का पूछा है, तो ये दोनों चीजें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना भाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। अब यहां से हमें वैल्यू करनी है, क्वेश्चन करने है, लेकिन पहले समझना है वर्ग के भीतर है वृत्त, एक वर्ग खींचा, सही नहीं बनाया इसको, सही बना ले इतना है, एक वर्ग है। ठीक है, तो अब वर्ग के भीतर वृत्त खींचना है ये, यदि वर्ग की सारी भुजाएं, स्क्वायर की सारी भुजाएं ए ए है, ठीक है, तो इसका जो व्यास होगा वो भी कितना होगा ए, डायमीटर, वृत्त का डायमीटर क्या होगा ए होगा, और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास बटे दो, ये होती है त्रिज्या। तो अब देखते हैं, उसने दिया है जो पाई आर स्क्वायर है वो दिया है 16 पाई, तो पाई से तो पाई कट गए, अब आर स्क्वायर की जगह क्या है, व्यास बटे दो, त्रिज्या आर मतलब त्रिज्या, व्यास है हमारा ए, ए बटे दो, व्यास ए है ना, ए बटे दो, ए बटे दो का स्क्वायर बराबर 16, तो इसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर बट्टे 4 बराबर 16, तो ए स्क्वायर बराबर 16×64 और ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल, कहां है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। अब ये चीजें याद होनी चाहिए, अगली बार आप यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, अच्छा लग रही है, समझ में आ रही है, तो शेयर तो करनी है चाहिए, है ना, तो दबा के शेयर कीजिए, भगवान का नाम लेके दबा दब शेयर कीजिए। तो बच्चों आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सभी। दो स्थान P और Q के मध्य की दूरी 900 किलोमीटर है, एक रेलगाड़ी P
से 8 बजे 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, रास्ते में 1 घंटे 40 मिनट रुकती है, क्यू पर किस समय पहुंचेगी? ठीक है, कब पहुंचेगी? अब देख लेते हैं भाई, हमसे समय पूछा है और समय का फॉर्मूला है दूरी बटे चाल। समय का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला है। अब दूरी हमें दी है 900 किलोमीटर और चाल दी है मीटर प्रति सेकंड में। तो जब भी मीटर प्रति सेकंड में दी हो तो आपको याद रखना है मीटर प्रति सेकंड में किसकी गुणा करते हैं? 18 बटे 5 की, और क्या बना लेते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बना लेते हैं बच्चों? किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप भी बना लेंगे अपनी चाल को, है ना, फटाफट बना लीजिए। 25 मीटर प्रति सेकंड दिया है ना, 25 मीटर प्रति सेकंड दिया है, इसमें क्या करेंगे? 18 बटे 5 की गुणा करेंगे। तो 5 से कट गया 5 बार, 18 पंजे 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा बन गया। ये हो गई चाल। तो अब समय निकल जाएगा, अब समय निकालना बड़ा आसान है, 900 बटे 90, ठीक है, ये कट गया सीधा से, कितना आ गया? 10 घंटे। गाड़ी को कितना चलना पड़ेगा? 10 घंटे चलना पड़ेगा, प्लस रुकी भी तो है 1 घंटे 40 मिनट, तो टोटल कुल समय कितना हो गया? कुल समय इसमें आपने 1 घंटा और 40 मिनट जोड़ दी, 1 घंटा 40 मिनट जोड़ दी, तो कितना हो गए? 11 घंटे। क्या हो गए बच्चों? 11 घंटे और 40 मिनट, इतना पूरा समय लगा। अब वो पूछ रहा है कि समय बताओ कि किस समय पहुंचेंगी। तो किस समय चली थी बच्चे? 8 बजे चली थी, 8 बजे चली थी और 11:40 लगे, 8 बजे चली थी और 11 घंटे 40 मिनट इसको समय लगा। इनको जोड़ लेते हैं फटाफट, तो ये हो गया हमारा 19:40। 19:40 को क्या बताएंगे? 19:40 को आप 12 से घटा के बता देंगे, यानी कि 7:40 रेलवे का समय आ गया, जैसे रेलवे बोलती है ना, रेलवे 12 के बाद जब 1 बजते हैं दोपहर में तो उसे 13 है, फिर 2 को 14 है, इस तरह से। तो 19 है, जब भी 12 से बड़ा समय आता है तो 12 घटा के बता देते हैं, इसमें से बस 12 घटाने हैं, 12 घटा देंगे तो 7:40 आ जाएगी। यही हो गया हमारा आंसर। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, बेहद आसान है, कठिन नहीं है। और देखते हैं, 35,000 रुपए का निवेश कर एक व्यापार आरंभ करता है, 5 महीने बाद बीबी आ जाता है कि भाई मुझे भी शामिल कर लो व्यापार में, और जुड़ जाता है, तो किस अनुपात में धन बटेगा? तो मैंने कहा लाभ हमेशा कैसे बटता है? लाभ हमेशा रुपए इंटू टाइम में बटता है। लाभ कैसे बटता है? रुपए इंटू टाइम। कितना समय? ए ने तो पूरे के पूरे वर्ष लगाए, यानी उसका कितने धन लगा? 35,000 12 के 12 महीने। लेकिन बी ने कितना लगाया? बी ने 50,000 लगाए, लेकिन लगाए कितने समय के लिए? 5 महीने बाद आया, तो जी 12 में से 5 घटा लो, कितने? 7 महीने के लिए, उसने केवल 7 महीने के लिए लगाया। तो अब ये आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ये देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, ठीक है, और क्या कट गया? और 7 से कट गया 5 बार, ठीक है, और 5 से कट गया ये 10 बार कट गया, तो ये रहेगा 12:10, 12:10 और कट गया 6:5, ये होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरह से बेहद आसान है, रुपए इंटू टाइम करते हैं जब भी हम लाभ का अनुपात निकाल